कानपुर में शतरंज ओलंपियाड मशाल रविवार दोपहर कानपुर पहुंची। ग्रीन पार्क में मशाल का भव्य स्वागत किया गया। शतरंज को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार के लिए ये मशाल एक हाथ से दूसरे में होती हुई सभी राज्यों के 75 जिलों में गुजरेगी। इसी कड़ी में ये रविवार को कानपुर पहुंची। शतरंज ओलंपियाड दोपहर करीब 3 बजे कानपुर पहुंची और 1 घंटे बाद करीब 4 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो गई। इस दौरान भारी भीड़ स्टेडियम में रही। मशाल रिले की ग्रैंड मास्टर वंशिका और ग्रैंड मास्टर तेजब बाखड़े आगरा से कानपुर लेकर पहुंचे। डॉक्टर संजय कपूर ने मशाल को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को सौंपी। फिर उसे ग्राउंड मास्टर अवंतिका और ग्राउंड मास्टर तेजस वाखड़े स्टेडियम के स्टैंड पर रखा। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस कार्यक्रम में शहर के 12 स्कूलों से चयनित 24 खिलाड़ियों को खेल के लिए बुलाया गया। पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि ओलंपियाड की ये टॉर्च जो चेस से संबंधित है, चेस ओलंपियाड की हिंदुस्तान में, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र के अंतर्गत देश के विकास और देश की समृद्धि और देश के सम्मान की कामना करी। चेस जो मूलतः हिंदुस्तान की धरती से ही उपजा था, आज पुनः उसकी पहचान हिंदुस्तान में बन रही है। यानी प्रधानमंत्री ने जिस समय इसका रिले का उद्घाटन किया दिल्ली में, तो उन्होंने कहा हमारे देश ने पूरी दुनिया को हर क्षेत्र के अंतर्गत एक दिशा दी थी, एक काम करने का, खेलने का एक अवसर दिया था। आज सौभाग्य से ये टॉर्च हमारे देश में ही रहने वाली है। अभी चेन्नई में ओलंपियाड्स हैं जो 28 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेंगे, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिस प्रकार से 5 बार आनंद ने इस गोल्ड मेडल को जीता था चेस में, अब हमारे देश में टॉर्च रहे और हमारे देश को हमेशा अग्रणीय स्थान के ऊपर गोल्ड मेडल मिले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे इसके चेस के अध्यक्ष प्रियाशी संजय कपूर जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने अनटर्न मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, जिसके कारण आज इतने सफल आयोजन को हम कर सकें। मेरी पूरे चेस खेलने वाले खिलाड़ियों को और सारी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews.